बीजेपी आज मना रही अपना 44वां स्थापना दिवस। अमृतपाल दे चाचे ने अमृतपाल नू लेके कीता वड्डा खुलासा। ते महाराष्ट्र विच मुंडे नू वाल कटाने पए भारी। सत श्रीकाल जी, वर्ल्ड बीजेपी इस मौके पीएम मोदी ने पार्टी वर्करा नू दिल्ली तो कीता संबोधन। कहा स्थापना दिवस नू खास बनाउन जा रही है बीजेपी। भाजपा नेता अज तो देश के सारे बूथा ते पार्टी दे लिखन गे नारे। उत्थे ही बीजेपी दे स्थापना दिवस मौके पंजाब बीजेपी दे चंडीगढ़ दफ्तर विखे पार्टी दा लहराया गया झंडा। बीजेपी विच शामिल हो सकदे ने साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पिछले कुछ दिनों तो सीनियर कांग्रेसी आगू ते साबका सीएम चन्नी दे बीजेपी विच शामिल होने दे चल रहे सन चर्चे। इस दौरान चन्नी ने एक मीडिया दायरे च इन्हां चर्चावां ते लगाया विराम। कहा यह सब अफवाह है, वह कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों विसाखी मौके सरबत खालसा बुलाए जाण दी संभावना लगभग हुई खत्म। अमृतपाल ने 13 अप्रैल नूं दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे सरबत खालसा बुलाउण दी कीती सी अपील। उत्थे श्री अकाल तख्त दे जथेदार दे निजी सहायक वल्लों कीता गया ऐलान। कहा 12 तों 15 अप्रैल नूं विसाखी दिहाड़े ते खालसा साजना दिवस मौके उलीके जाणगे गुरमत समागम। वारस पंजाब दा मुखी अमृतपाल सिंह आपरेशन अमृतपाल दे वीवे दिन भी चल रहा फरार। अमृतपाल दे चाचे हरजीत सिंह ने पुलिस जांच विच कीता वड्डा खुलासा। कहा पत्रकार पपलप्रीत सिंह दे कहण ते भज्जा सी अमृतपाल। अमृतपाल करना चाहुंदा सी आत्म समर्पण पर पपलप्रीत ने सरेंडर करन तो कीता इनकार। पपलप्रीत सिंह ही ओ शख्स जिसने कुछ घंटियां विच ही अमृतपाल दे फरार होने दी प्लानिंग नू दित्ता सी अंजाम। श्रोमणी अकाली दल नाल रल के ही जलंधर जिमनी चोण लड़ेगी बसपा। बसपा ने उम्मीदवार दे नां ते कीता मंथन। मायावती ते सुखबीर बादल जल्द ही तय करनगे गठजोड़ दा उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी दे साबका मंत्री सत्येंद्र जैन नू कोर्ट तो लगा वड्डा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन दी जमानत अर्जी कीती रद्द। मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच जेल विच बंद हन सत्येंद्र जैन। ईडी वल्लों भी जैन दी जमानत दा कीता गया सी विरोध। ईडी ने कहा सी कि जमानत करके गवाहां दी जान नू हो सकदा है खतरा। जलंधर जिमनी चोण लई आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार दा कीता ऐलान। साबका कांग्रेसी सुशील कुमार रिंकू लड़नगे जलंधर जिमनी चोण। सीएम मान ने ट्वीट कर दी वधाई। रिंकू काली कांग्रेस छड आम आदमी पार्टी विच होए सन शामिल। कांग्रेस ने संतोख चौधरी दी धर्मपत्नी करमजीत कौर नू पहला ही ऐलान दिता सी अपना उम्मीदवार। उथे ही आप वल्लों उम्मीदवार ऐलाने जाण तों बाद पंजाब कांग्रेस ने ट्वीट कर दिता तिखा प्रतिक्रम। कहा आम आदमी पार्टी वलंटियरां दी गल करदी है पर जलंधर जिमनी चोण दे लई उन्हां नू कोई भी वलंटियर नहीं मिलिया। अज पूरे देश विच धूमधाम नाल मनाया जा रहा हनुमान जयंती दा त्यौहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर विखे 54 फुट उची हनुमान जी की मूर्ति का किया उद्घाटन। पंच धातु नाल बनी भगवान हनुमान जी की यह मूर्ति सारंगपुर च बने कष्ट भंजन हनुमान नू इत्थे बुलाया जांदा हनुमान दादा दे नाम नाल। इस मूर्ति का करीब 30,000 किलो वजन मूर्ति नू वेख्या जा सकदा है 7 किलोमीटर की दूरी तो। हुण भारत विच काबू तो बाहर हो रहा कोरोना। देश च एक दिन 5,335 केस आए सामने। देश विच कोरोना संक्रमित सरगर्म मरीजों की गिनती वध के हुई 25,587। 23 सितंबर 2022 तो बाद पहली बार रोजाना मामले 5,000 के आंकड़े नू कर गए पार। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के आंकड़े अनुसार कर्नाटक विच 2, महाराष्ट्र विच 2 मरीजों की गई जान। उथी पंजाब विच भी एक दिन विच 1 मरीज की हुई मौत। पंजाब च पाए गए कुल 437 कोरोना पॉजिटिव मामले। महाराष्ट्र विच वाल कटाउण तो नाराज एक 13 साल लड़के ने 16वीं मंजिल तो मारी छाल। सिर्फ वाल छोटे कटवाउण दे चलदे गुस्से च आए लड़के ने दित्ती अपनी जान। जानकारी मुताबक मंगलवार नू बच्चे दे चचेरे भरा ने उसदे वाल करवा दित्ते सन काफी छोटे। इस नाराजगी कारण परिवार दे सोन तो बाद 13 साला बच्चे ने बाथरूम च जाके खिड़की तो हेठा मारी छाल। इस घटना तो बाद पूरे इलाके विच सोग दा माहौल। खबरां दा सार विच तुसी सुन रहे सी दिन भर दीआं 10 प्रमुख खबरां। हुण मैनूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।